1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगा दी। जितने भी लोग सरकार का विरोध कर रहे थे और अपोजिशन के जितने भी बड़े नेता थे, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। पूरे देश में आपातकाल के विरोध में आंदोलन चालू हो गया। अंत में 1977 में इमरजेंसी समाप्त हुई और अगले लोकसभा चुनावों की घोषणा हुई। उस समय की लगभग सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने यह घोषणा किया कि हम इंदिरा गांधी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। 10 से ज्यादा विपक्षी दलों ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई, जनता पार्टी। जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ भी शामिल था। जनता पार्टी ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं बनी, जनता पार्टी क्रांति की कोख से जन्म लेकर सामने आई। इन चुनावों में जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस को बुरी तरीके से हरा दिया। इंदिरा गांधी स्वयं भी अपना चुनाव हार गई और देश में जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई इस सरकार के प्रधानमंत्री थे और जनता पार्टी की ये सरकार हमारे देश की पहली गठबंधन सरकार थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलीफाइड भारत पर। अब की बार 400 पार का नारा फेल हो चुका है और अब की बार मिलीजुली सरकार ही बन रही है। जब से ये तय हुआ है कि इस बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, तो विश्लेषकों का ये मानना है कि मोदी सरकार इस बार कुछ बड़े फैसले नहीं ले पाएगी, बिग टिकट रिफॉर्म्स नहीं हो पाएंगे। भारत में गठबंधन सरकारों का इतिहास बहुत पुराना है और अगर हम इतिहास के उन पन्नों को पलटें तो समझ जाएंगे कि अब की बार ये मोदी सरकार कितनी सफल रह पाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला भी बढ़ता रहे। 1977 में मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद से ही लोग पार्टी से अलग होने चालू हो गए। 1979 में चौधरी चरण सिंह जी से इस्तीफा मांगने के बाद उन्होंने मोरारजी देसाई के खिलाफ बगावत कर दी। मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले ही सरकार से अलग हो चुके थे। फिर 1979 में कांग्रेस के बाहरी समर्थन की बदौलत चौधरी चरण सिंह जी की अगुवाई में सरकार बनी। ये सरकार भी बहुत ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। कांग्रेस ने कुछ महीनों के बाद ही अपना समर्थन वापस ले लिया और 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए। 1980 और 1984 के चुनावों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन 1987 में राजीव गांधी सरकार में रक्षा मंत्री रहे श्री वीपी सिंह जी ने अपने ही सरकार के खिलाफ बगावत कर दिया। उन्होंने जन मोर्चा नाम से एक नई पार्टी बनाई। 1989 के लोकसभा चुनावों से पहले वीपी सिंह जी ने जन मोर्चा, जनता पार्टी, कांग्रेस एस और कुछ अन्य दलों को मिलाकर जनता दल बनाया और कुछ वामपंथी और दक्षिणपंथी पार्टियों के सहयोग से नेशनल फ्रंट बनाया। 1989 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं आई तो राजीव गांधी जी ने सरकार बनाने से मना कर दिया। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 85 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं लेफ्ट पार्टीज के पास 45 सीटें थी और भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट पार्टीज के बाहरी सहयोग की मदद से नेशनल फ्रंट ने अपनी सरकार बनाई और वीपी सिंह इसके प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये सरकार भी बहुत ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। फिर चंद्रशेखर जी की अगुवाई में तीसरे मोर्चे, थर्ड फ्रंट की सरकार बनी। इस सरकार को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया लेकिन ये सरकार भी बहुत दिनों तक चल नहीं पाई। कुछ ही महीनों के बाद कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और चंद्रशेखर जी की सरकार गिर गई और अगली गठबंधन सरकार बनी 1996 में। 1996 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 161 सीटें जीती और ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई और अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनाई गई। लेकिन ये सरकार मात्र 13 दिनों तक ही चली। 13 दिनों के बाद ही वाजपेयी जी को अपना इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो बहुमत के जादुई आंकड़े को छू नहीं पाए। कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक। अच्छा तो अच्छे वाजपेयी का क्या करने का इरादा रखते हैं? और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।
और उसके बाद तीसरा फ्रंट बनता है यूनाइटेड फ्रंट। यूनाइटेड फ्रंट में वो पार्टीज थी जो ना ही बीजेपी के साथ थी और ना ही कांग्रेस के साथ थी, और यूनाइटेड फ्रंट को कांग्रेस और टीडीपी ने बाहर से समर्थन दिया और एचडी देवेगौड़ा यूनाइटेड फ्रंट के नेता बनकर उभरे और भारत के अगले प्रधानमंत्री बने। लेकिन देवेगौड़ा सरकार भी बहुत ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। कुछ महीनों के बाद ही कांग्रेस ने फिर से अपना समर्थन वापस ले लिया और देवेगौड़ा सरकार गिर गई। फिर इंद्र कुमार गुजराल जी यूनाइटेड फ्रंट के नेता बने और कांग्रेस ने फिर से अपना बाहरी समर्थन दिया और उस समर्थन की वजह से इंद्र कुमार गुजराल की सरकार बनी। लेकिन वो सरकार भी बहुत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई और 1998 में गुजराल सरकार भी गिर गई। फिर 1998 में लोकसभा चुनाव हुए। 1998 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने एक प्री पोल अलायंस बनाया और इस अलायंस को नाम दिया गया NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इस अलायंस में कुल 19 पार्टीज थी। 1998 के चुनावों में 182 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं NDA ने अपनी सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी जी दूसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। NDA का एक सहयोगी दल था AIADMK, जिसकी नेता थी स्वर्गीय जयललिता जी। जयललिता जी उस समय तमिलनाडु की सत्ता से बाहर थी और वो वाजपेयी जी के ऊपर दबाव बना रही थी कि वाजपेयी जी तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगा दें। जब वाजपेयी जी ने उनकी बात नहीं मानी तो मात्र 13 महीनों के बाद जयललिता जी ने वाजपेयी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और 1999 में विश्वास मत में मात्र एक वोट की वजह से वाजपेयी सरकार फिर से गिर गई। और 1999 के लोकसभा चुनावों में एक बार फिर से NDA की सरकार बनी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। और ये पहली गठबंधन सरकार थी जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। लेकिन ये 5 साल की सरकार चलाने के लिए बीजेपी ने अपने कोर मुद्दों राम मंदिर, आर्टिकल 370 और समान नागरिक संहिता, इन सब से कंप्रोमाइज कर लिया। सहयोगी दलों के साथ सरकार चलाने के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया और उसी के अनुसार 5 साल तक सरकार चली। फिर 2004 में NDA के तर्ज पर ही UPA बनी कांग्रेस की अगुवाई में और 2004 के लोकसभा चुनावों में UPA की सरकार बनी और डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री बने। ये सरकार भी बहुत ज्यादा स्थिर नहीं रहने वाली थी। 2008 में लेफ्ट पार्टीज ने UPA से अपना समर्थन वापस ले लिया। तब समाजवादी पार्टी ने विश्वास मत के दौरान कांग्रेस का साथ देकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनाई। 2009 में UPA की फिर से वापसी हुई। समाजवादी पार्टी और बसपा ने बाहर से कांग्रेस की सरकार को समर्थन दिया। 2011 में जब UPA 2 की सरकार के ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो एक पत्रकार के सवाल के जवाब में उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि गठबंधन की सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। फिर 2014 और 2019 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और इस बार फिर से गठबंधन सरकार बनने जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने अपने दौर में गठबंधन सरकारों का कार्यकाल पूर्ण किया, लेकिन उस कार्यकाल को पूरा करने के लिए इन्हें अपनी विचारधारा के साथ कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ा। वाजपेयी जी और डॉक्टर सिंह दोनों ही थोड़े सहज और सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। वहीं हमारे अभी के प्रधानमंत्री मोदी को दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति माना जाता है, तो इनके लिए गठबंधन सरकार को चलाने में थोड़ी मुश्किल तो जरूर होगी और कुछ बड़े रिफॉर्म्स का होना भी मुश्किल है। बाकी क्या होता है ये तो भविष्य के गर्भ में ही पता चलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।